हमारे देश का कानून कुछ अजीब नहीं है, आपको नहीं लगता? गौर करना एक बात ध्यान से, अगर कोई बंदा किसी गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, कहीं उसका नाम किसी क्राइम में तो शामिल नहीं है, कहीं उसके नाम पे कोई FIR तो नहीं है, कहीं उसका नाम किसी थाने में तो दर्ज नहीं है। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, जो बंदे सरकार चलाते हैं उन्हें टिकट कैसे मिल जाता है जिनके ऊपर 5-5, 6-6 केस हैं? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि कोई भी बंदा पॉलिटिक्स में आए या पॉलिटिक्स का जो फॉर्म भरते हैं जिसके लिए उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए, अगर उसके ऊपर कोई भी केस हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा केस हो, तो उसका नाम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लेना चाहिए? ऐसा कभी होता है? आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि पॉलिटिक्स में होते हैं, MLA होते हैं, MP होते हैं, ऐसे ऐसे MPs होते हैं जिनके ऊपर काफी सारे केसेस लगे हुए हैं, कभी इस चीज को गौर करना। उनको कैसे, जो लोग सरकार चला रहे हैं वो ऑलरेडी क्राइम में इंक्लूड है, उनका नाम लगा हुआ है, पर एक बंदा जो सरकारी नौकरी के लिए जा रहा है उसका एक छोटा सा नाम आ जाए उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा क्या? आप सोच रहे हैं कि करप्शन खत्म हो जाएगा? इस तरीके से करप्शन कैसे खत्म होगा? क्या बोलूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति के नाते आप सोच के देखिए। ऐसा नहीं है कि सबके सब करप्टेड है, सबके सब, सबका नाम क्राइम में जुड़ा हुआ है, कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, छोटे में एक कहानी पड़ी हुई आपने कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।